For a good physique, for an aesthetically appealing physique, back muscles are not just important, they are pivotal, they are critical. So today, I'm going to demonstrate a couple of exercises which will help you to gain that thickness, that strength, and a great posture so that you all can look beautiful and appealing. Welcome to Muscles and Motivation Academy. My name is Abhishek Singh. Let's go and do some exercises. Please watch this video till end. All right, friends. So, ये आज का हमारा पहला exercise है. This exercise is one of the most famous exercise for lat thickness of the back, seated cable rowing. इसी एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार की मशीन्स आती हैं. सो एसेंशियली मूवमेंट वही है. आप ध्यान से देखें, मैंने जिस चीज़ को हाथ में पकड़ा हुआ है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ हैंडल है. ओके, हैमर कर्ल्स अगर हम करेंगे ना तो हमारा हाथों का पोजीशन यही रहता है. सेम एक्सरसाइज का दूसरा वेरिएशन, वेट थोड़ा हैवी है. डिफिकल्ट टू मेंटेन अ ग्रेट पोस्चर विथ हैवी वेट. इफ़ यू आर अ बिगनर इट्स बेटर टू स्टे विथ लाइट टू मॉडरेट वेट. हाथ मेरा नीचे की ओर है, यू नो, इसमें बाइसेप मसल पे भी काफ़ी पुल आता है. बट मेक श्योर आपका जो स्पाइन है वो हमेशा न्यूट्रल पोजीशन पे होना चाहिए. और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ द ट्रिक, चेस्ट अप, हिप्स पीछे, डजेंट मैटर्स आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, खड़े होके कर रहे हैं या बैठ के कर रहे हैं, दैट इज़ द स्टैंडर्ड रूल ऑफ थंब. ओके, अभी देखिए मेरा हाथ जो है ऊपर है बार के. ऑल राइट, सो यू हैव टू पुल स्लोली एंड लेट गो स्लोली. झटके से नहीं छोड़ना है, यू नो. वेट जब बहुत हैवी होता है तो बॉडी आगे जाती है, बट मॉडरेट वेट में ऐसा नहीं होगा. नाउ दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज, दिस इज कॉल्ड एज बारबेल रोइंग. ओके, यू कैन लीन अ लिटिल मोर इफ द वेट इज लेस. सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 20-40, 12 kg का बार, तो 52 kg का वेट है अप्रॉक्सीमेटली ये. ओके, Try and hit the belly button. See, my spine is still neutral. Chest up, hips पीछे. So this was first set, followed by the second set. तो second set में देखिए मैंने grip थोड़ी दूसरी तरह से बनाई है. Okay, weight मैंने बढ़ा दिया तो it is 60+ kg now. 62 kg का weight है. Same story, but spine is still absolutely neutral. So make sure, because जिम में जो इंजरीज होती हैं ना बैड पोस्चर की वजह से होती हैं, हमेशा याद रखिएगा वेट का लेना देना नहीं है. इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच वेट यू लिफ्ट, इट इज़ अबाउट हाउ वेल यू लिफ्ट दैट पर्टिकुलर वेट, इन द सेंस आपका पोस्चर क्या है. एक और वेरिएशन है बैक के थिकनेस के लिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए, क्योंकि चेस्ट सपोर्टेड है ये. यू नो दिस इज़ अ चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोइंग, या बिना सपोर्ट के भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी बारबेल रोइंग किया. इसमें क्या होता है ना, आपकी स्पाइन एब्सोल्युटली रेस्ट कर रही होती है, आपका चेस्ट एब्सोल्युटली रेस्ट कर रहा होता है आपके यू नो टेबल बेंच पे. सो इंजुरी के चांसेस नहीं होते हैं. ऑल राइट, आई एम श्योर यू ऑल एंजॉयड द वीडियो. आई विल क्विकली ट्राई एंड समराइज हम लोगों ने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की. हमारा मेन फोकस जो आज था वो थिकनेस ऑफ बैक मसल्स पे था. वी स्टार्टेड विथ सीटेड केबल रोइंग. अगेन ये फोकस करता है आपके थिकनेस, बैक मसल्स के थिकनेस पे. ओके, सीटेड केबल रोइंग फॉलोड बाई वी डिड बेंट ओवर बारबेल रोइंग. आप सभी याद रखें, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए या सेमी आर्च पोजीशन में होना चाहिए. दैट विल एंश्योर द सेफ्टी ऑफ योर स्पाइन. ओके, सो वी डिड केबल रोइंग, वी डिड बारबेल रोइंग, एंड वी ऑल्सो डिड चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोइंग. सो दीज आर थ्री ग्रेट एक्सरसाइजेस विच यू कैन डू, विच यू मस्ट इनकॉर्पोरेट इन योर डेली रूटीन, वीकली रूटीन, विच विल eventually help you build stronger and beautiful physique. Thank you for watching this video till end. My name is Abhishek Singh. My channel's name is Muscles and Motivation Academy. If you have not subscribed, please subscribe and share it with your friends and family. All right? It's our duty to be healthy. Not just healthy, we need to be strong as well. Have a great day. Signing off.